नमस्कार। तो सभी पशुपालक भाइयों का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज के वीडियो में बात करेंगे मियामी बोल्स के बारे में। मियामी बोल्स के बारे में पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। मियामी बोल्स को पशुओं को कब दिया जाता है और इसको देने से पशुओं को क्या फ़ायदे मिलते हैं, इसके बारे में पूरी तरह से डिटेल में जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखा करिए, बीच में मत छोड़िए, ताकि आपको भी अच्छी तरह से समझ में आए। तो मियामी बोल्स आती है यूरोबिया कंपनी की। तो यूरोबिया की काफ़ी मशहूर कंपनी है और इसकी पैकिंग रहती है बोल्स की, दो बोल्स की रहती है और दो बोल्स की कॉस्ट रहती है 75 रुपये। तो दोस्तों, मियामी बोल्स में स्तन के जो ऊतक होते हैं, टिश्यूज, उनके सामान्य शारीरिक कार्य प्रणाली को बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों का मिश्रण इस बोल्स में शामिल है। यानी कि थनेला बीमारी में यह बोल्स काफ़ी लाभदायक है। थनेला बीमारी में थनों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए यह बोल्स काफ़ी अच्छी तरीके से काम करती है और थनेला से जल्द रिकवर होने के लिए भी मदद करती है। अब बात करेंगे इसके फायदे के बारे में। तो दोस्तों, यह क्या करता है कि अडल्ट की हेल्थ को मेंटेन रखता है, थन की स्वास्थ्य जो होती है थन उसको अच्छी तरह से बनाए रखता है और अडर की इम्यूनिटी को सपोर्ट भी करता है, यानी कि अडर की इम्यूनिटी यह बढ़ाता है। और दोस्तों, यह दूध की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि थनेला बीमारी में पशुओं के थन से जो है वो दूध, कभी कभी दूध में खून आ जाता है, दूध में तो दूध जो है खराब आ जाता है कभी कभी। तो उस समय यह क्या करता है कि दूध की क्वालिटी को मेंटेन रखता है और यह थनों के अवरोधक कार्य को भी बनाए रखता है। तो दोस्तों, इसका इस्तेमाल थनेला बीमारी में अन्य दवाओं के साथ भी किया जाता है, डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। अब बात करते हैं इसकी डोसेज के बारे में। दोस्तों, यह बोल्स बड़े पशु जैसे कि गाय हो गया, भैंस हो गया, उनको सुबह एक और शाम एक बोल्स देनी होती है। 3 से 5 दिन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो बोल्स है इसको आप दुधारू पशु या दूध ना देने वाले पशु उनमें भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ब्याने के पहले और ब्याने के बाद भी इसका इस्तेमाल किया जाता है थन की सामान्य कार्य प्रणाली को बनाए रखने के लिए। तो दोस्तों, ओवरऑल देखें तो थनेले बीमारी में इसका जो प्रॉपर रोल जो है वो थनेले बीमारी में है। थनेले बीमारी में बोल्स काफ़ी लाभदायक होती है। तो दोस्तों, ये थी मियामी बोल्स के बारे में पूरी जानकारी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस चैनल पर हम आपको ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे, आप हमें सपोर्ट करते रहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।